दोस्तों आज हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली के चार यूनिक और इनोवेटिव स्टार्टअप आइडिया के बारे में। आज पूरी दुनिया सिलिकॉन वैली को टेक हब के नाम से जानती है और ये नाम उस पर बिल्कुल अच्छा भी लगता है क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियन डॉलर टेक स्टार्टअप सिलिकॉन वैली से स्टार्ट हुए हैं। तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले सिलिकॉन वैली स्टार्टअप पे मैंने रखा है Strap.com को। दोस्तों हम में से ज्यादा लोगों को पता होगा कि आज हमारे लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना कितना ज्यादा जरूरी है अगर हमें भी कुछ लाइफ में बड़ा करना है। आज आपको स्कूल कॉलेज में हर तरीके की डिग्री मिल जाती है लेकिन जो एक स्किल आपको नहीं मिलेगी वो है पैसों को मैनेज करने की सही स्किल। और इसी कारण आज जो बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे एजुकेटेड भी है वो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास भी राइट नॉलेज नहीं है कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, इससे हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा होता है, जिससे हमारे देश और लोगों को बहुत हद तक लॉस होता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टार्टअप फाउंड हुआ है जो कि एक मोबाइल बैंकिंग स्टार्टअप है। इसका मानना है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को जितनी जल्दी फाइनेंशियल स्किल प्रोवाइड करवाएंगे उनके फ्यूचर के लिए वो उतना ही बढ़िया होगा। इसलिए इन्होंने टीन किड के लिए एक ऐसा मोबाइल बैंकिंग ऐप प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें टीनएजर्स बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स यूज और सीख पाएंगे। वैसे यार मैं आपको बता दूं जो टीन किड्स होते हैं जो टीनएजर्स होते हैं वो 13 से 19 साल के बच्चों को हम कहते हैं। और दोस्तों जो इनकी मोबाइल ऐप बैंकिंग सर्विस है वो बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है जिसमें बच्चे एक दूसरे को पैसे सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, अपना वीजा कार्ड खुलवा सकते हैं वह भी विदाउट कमीशन, अपने मोबाइल बैंक अकाउंट को अदर एप्स, डेबिट कार्ड और भी अदर बैंकिंग सर्विस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे इनके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें यूज करने पे ही पता चलेगा। अगर दोस्तों बात करें इस स्टार्टअप की फंडिंग की तो इसने अभी तक 76.3 मिलियन डॉलर रेस कर लिया है। अगर इंडियन रुपीस से कैलकुलेट करें तो 500 करोड़ के आसपास होगा। इनके प्ले स्टोर पे 5 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड है। 2018 के करीब ये स्टार्टअप फाउंड हुआ था और ये जो अपने प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं आने वाले समय में ये बच्चों को फाइनेंशियल गेम भी प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, बिजनेस, स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी गेम्स होंगे। मैंने आपके सामने पूरा आइडिया बता दिया है, अब आप खुद सोचो कि आप इसमें और ज्यादा यूनिक और क्रिएटिव क्या कर सकते हो क्योंकि आज जो हमारी फिनटेक इंडस्ट्री है वो 200 बिलियन रुपीस की है और 2026 तक की 6000 बिलियन की होने वाली है। अगर आप इस तालाब से एक बाल्टी भर पानी भी निकालने में कामयाब हो जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको और जानकारी चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते अपने दूसरे स्टार्टअप की ओर जिसपे मैंने रखा है नियक्टिक स्टार्टअप को। दोस्तों जिस तरीके से गेम का क्रेज आज हमारी दुनिया में चल रहा है इसमें कोई शक नहीं कि 2026 तक ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो 300 बिलियन से भी ऊपर हो जाएगी। और दोस्तों जब किसी इंडस्ट्री में इतनी हाई स्पीड ग्रोथ होती है ना तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसमें छोटे से आइडिया से भी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला सकते हैं। और दोस्तों इस स्टार्टअप की तो मैं क्या बात करूं, इस स्टार्टअप का जो फ्यूचर गेमिंग विजन है ये बहुत ज्यादा बड़ा है जो कि पूरे तरीके से डिपेंड करता है AR टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आपको याद हो तो एक समय था कि पोकेमोन गो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें आप रियल वर्ल्ड में पोकेमोन पकड़ते थे अपने फोन की मदद से, जिसने सिर्फ 10 महीने में $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं जो AR टेक्नोलॉजी है इसकी हेल्प से हम किसी भी डिजिटल प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्ट को इन रियल वर्ल्ड प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी है तो उसमें जो जार्विस है वह भी AR टेक्नोलॉजी का यूज करता है जिसके कारण आप मूवी में वो सारी चीजें भी देख सकते हो जो जार्विस आयरन मैन को दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो सारी चीजें इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होती। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत हद तक AR का मतलब समझा दिया होगा। दोस्तों वैसे इस स्टार्टअप ने 3 से 4 AR गेम बिल्ड किए हैं लेकिन इन फ्यूचर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो आपको हाईली एडवांस AR गेम भी प्रोवाइड करवाएंगे जिसको खेलने के लिए आपको किसी भी मोबाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कि आप सिंपली AR ग्लास पहन कर भी इन रियल वर्ल्ड हाईली एडवांस गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो सच में एक बहुत ही कमाल का फीलिंग और एक्सपीरियंस होगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पूरे तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री को चेंज कर देगा। अगर दोस्तों बात करें इस स्टार्टअप की फंडिंग की तो 2010 से अभी तक ये 470 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज कर चुका है। दोस्तों आने वाले समय में जो AR टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है जो कि हमारी हेल्प करेगा मोबाइल स्क्रीन से बाहर निकलने में। दोस्तों अगर हम ये मान लेते हैं कि AR टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं है तो आपके दिमाग में एक जो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि आप इससे और ज्यादा बेहतर क्या कर सकते हो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा और ज्यादा यूनिक और क्रिएटिव सोचने में। तो जल्दी से बढ़ते अपने तीसरे नंबर के स्टार्टअप पे जिसपे मैंने रखा है इम्पैक्ट विजन को। दोस्तों जो इम्पैक्ट विजन है एक इन्फॉर्मेटिव टेक स्टार्टअप है जो कि आपको रियल टाइम फूड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ये स्टार्टअप एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है। वैसे जो ये हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी होती है इसका एक सिंपल सा मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट को टारगेट कर रहे हैं तो उस लाइट की जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी होगी वो किस तरीके से बिहेव करेगी, जिसके ग्राफ को हम हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कहते हैं। जिस डाटे की हेल्प से इस स्टार्टअप के जो सॉफ्टवेयर है वो फूड क्वालिटी इंसाइट्स प्रोवाइड करवाते हैं।
जैसे कि जो फूड है वो कितना ज्यादा फ्रेश है, उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है, कब तक होनी चाहिए, इसे उस फूड की क्वालिटी कैसी है, इसमें किस टाइप के केमिकल यूज हुए हैं, और भी बहुत तरीके की ये डाटा और इनसाइट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे जो फूड कंपनीज के प्रोडक्ट है वो बहुत हद तक कम वेस्ट होने के चांस हो जाते हैं, जिससे कंपनीज को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी बनी रहती है। अगर दोस्तों आपने मेरी वांट टू बी बिलियनेयर वाली शॉर्ट वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो बहुत सारे बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, उनके करोड़ों में नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका प्रोडक्ट होता है उनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारा फूड वेस्ट होता है जिसे हम गरीब लोगों को दे सकते थे। और मैंने वहां पर एक ऐसे आइडिया को डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसमें आप अपने कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जिन प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट पास आने वाली है, आप उन सब प्रोडक्ट पे हाईली डिस्काउंट दे सकते हो या फिर चैरिटी में दे सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप इस स्टार्टअप आइडिया को उसके साथ कंबाइन करके देखो तो आपको जरूर कुछ यूनिक और क्रिएटिव आइडिया दिखेगा जो बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा। अगर दोस्तों बात करें इस स्टार्टअप की फ्यूचर विजन की तो वो बहुत ही कमाल का है। दोस्तों आने वाले समय में जो इनकी टेक्नोलॉजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी मोबाइल ऐप के जरिए प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम अपने मोबाइल से भी ये डाटा ले पाएंगे कि जो फूड है वो कितना ज्यादा फ्रेश है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कौन से केमिकल है, जो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग आइडिया होगा। दोस्तों चौथे स्टार्टअप पे मैंने रखा है वीटा हेल्थ को। दोस्तों आज पूरी दुनिया में 465 मिलियन एडल्ट्स हैं जो कि डायबिटीज के पेशेंट है, और इनकी संख्या 2045 तक 700 मिलियन पहुंचने वाली है। सिर्फ 2019 में लोगों ने 700 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा अपने इलाज और दवाइयों में खर्च किया था, जो कि सच में बहुत ज्यादा नंबर है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो इजिली मल्टी बिलियन ट्रिलियन डॉलर की कंपनी खोल पाएगा, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है वहीं पर सबसे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। और इस स्टार्टअप ने बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। इस स्टार्टअप को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत डायबिटीज के बारे में समझना होगा। तो दोस्तों हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड वेसल में ग्लूकोज सेल तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण जो इंसुलिन हार्मोन है वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाता, जिससे जो हमारी सेल्स है उनको जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाती। और आप हमेशा देखना जो डायबिटीज वाला बंदा होगा उसे हमेशा थकान सी महसूस होती है, जिसके कारण जो ब्रेन होता है वो हमारा सिग्नल देता है कि भाई और खाना खाओ, जो सेल्स है उसको और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो और ज्यादा खाना खाता है, जिससे उनका और ज्यादा वेट बढ़ता है, और वो जितना ज्यादा खाना खाता है उसके कारण और भी बॉडी में हाई शुगर बढ़ते चला जाता है, और जो ये प्रॉब्लम है ये एक साइकिल की तरह रोटेटिव होता जाता है, और इस प्रॉब्लम से शरीर में हाई वेट, ऑर्गन फेलियर, हार्ट डिसीज जैसे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस स्टार्टअप ने एक न्यूट्रिशनल केटोसिस टूल डेवलप किया है, जो कि आपकी बॉडी में एक केटोसिस टाइप का मॉलिक्यूल डेवलप करता है, जिसकी हेल्प से जो आपका फैट है वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में चेंज होने लगता है, जिसके कारण आपके सेल्स को सही मात्रा में एनर्जी पहुंचती है और आपको ज्यादा खाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, आपकी बॉडी भी वेट लूज करने लगती है, और इस पूरे प्रोसेस को ये रिवर्स डायबिटीज प्रोसेस कहते हैं। वैसे यार ये स्टार्टअप 2014 में फाउंड हुआ था, लगभग 240 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज कर चुका है। अब ये देखना है कि आप इस स्टार्टअप को और अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस करते हैं, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो आज के लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक। दोस्तों अगली वीडियो में मैं 10 यूनिक मोबाइल एप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना।